श्रीराम समर्थ, जुलाई 20। नाम में ही संतोष हो यह सद्गुरु की पहचान है। जो श्री राम की शरण में जाता है उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य नहीं बचता है। देह के भोग से आज तक कौन मुक्त हुआ है, लेकिन जो राम भक्त होता है उसे देह की पीड़ा की परेशानी नहीं होती। राम के चरणों में अपना दृढ़ भाव रखो तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। यह सद्गुरु की पहचान है कि नामस्मरण में संतोष होता है। यदि हम राम की शरण जाए तो दयालु भगवान अवश्य कृपा करेंगे। देह को नसीब के भरोसे छोड़ दे और जब जब कुछ घटता रहेगा उसमें आनंद समझे। जो दृश्य जगत है वह सत्य नहीं है, अतः भगवान राम में हमारा चित्त लीन रखे, विषय वासना से मन अलिप्त रखे। ऐसा करने पर रघुनाथ जरूर कृपा करेंगे। ईश्वर से हम यही मांगे कि हे भगवान, मुझे केवल यही वरदान दो कि तुम्हारी भक्ति में मेरा मन लीन हो। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। जो ऐसी प्रार्थना करता है उस पर रघुनाथ कृपा करते हैं। राम के चरणों में हमारा मन समर्पित करे और अखंड संतोष रखे। जो लोभी होता है उसके मन में हमेशा धन के विचार आते हैं, वैसे ही साधक का मन हमेशा नामस्मरण में हो। ऐसा जो करता है उसका राम से वियोग नहीं होता। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है वैसे हमारा मन नामस्मरण के बिना हो। गुरु की जो आज्ञा होती है वही प्रमाण मानकर, अर्थात वही आज्ञा सर्वश्रेष्ठ मानकर मोक्ष के लिए, इसके सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं, यह पक्का ध्यान में रखना चाहिए। साधन के लिए अधिक दौड़ धूप न करके देह को बहुत परेशान नहीं करना चाहिए। राम के सिवाय दूसरा कोई मित्र नहीं। जिसका राम ही मित्र है उसे जीवन में कोई धोखा नहीं। गृहस्थी में जिसका राम मित्र है वह भय चिंता दुख से मुक्त होता है। राम की सेवा से सबसे अधिक हित होता है। विश्व में यही श्रेष्ठ सत्य है। जो मन से भगवान की आराधना करता है उसका जन्म सार्थक होता है। संसार का कर्ता धर्ता राम ही है, यही दृढ़ विश्वास रखे। राम पर दृढ़ विश्वास रखने से कोई चिंता नहीं रहती। श्री राम की समीपता होने पर भय चिंता शोक हमें कभी छूते नहीं। नामस्मरण करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। नाम का चिंतन, भगवान का ध्यान, गुरु की आज्ञा प्रमाण मानना, ये सब सच्चिष्य की पहचान है। जहां हमें संतोष होता है वहीं सद्गुरु का स्थान होता है। नामस्मरण से ही भगवान हमारे होंगे, हम उनसे जुड़ जाएंगे, देह से कभी ऊब न जाए। राम जैसे रखेंगे उसी में संतोष माने। शरीर को जो दुख पीड़ा सहनी पड़ेगी वह ईश्वर के कारण ही है ऐसा मानना चाहिए। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए और भगवान को भूलना नहीं चाहिए। भगवान की अलौकिकता ध्यान में हो और उसी का चिंतन करे। राम के बिना दूसरा कोई भाव मन में न आने दे। मन को वही परम शांति प्राप्त होगी। चित्त में जब यह भावना निर्माण होगी कि देह के साथ मेरी गृहस्थी तुझे अर्पण है, तो रघुपति जरूर कृपा करेंगे। ऐसी जब हमारी दृष्टि हो कि प्रभु राम ही का सर्वत्र अधिष्ठान है, तभी हमें सच्चा संतोष प्राप्त होगा। आज का मुख्य विचार, राम के चरणों में मन समर्पित करो और रात दिन नामस्मरण करो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर।